अभी दोस्तों मौसम में मतलब चेंजिंग आ गया है, सुबह सुबह हमको थोड़ा बारिश मिला। दोस्तों भी हमारा खाना आ चुका है, ये देखिए हम ऑर्डर किए सेव भाजी। दोस्तों अभी हम लोग भिलाई आ चुके हैं, और भिलाई में क्या है कि ये वाला ओवरब्रिज बन गया है। अब पहले जब नहीं बना था तो इतना जाम हम लोग फंसते थे, इतना जाम में। दोस्तों हमारा सेठ जी आ गए हैं। अरे सॉरी यार, मैं थोड़ा बाहर था इसलिए थोड़ा ये बाहर चले गए थे, हमको शाम तक रुकना पड़ गया यहाँ। गाड़ी में बोलते हैं कि कलर करवाएंगे, जब कलर हमारा गाड़ी का हो जाएगा तब जाएंगे फिर पूजा करवाने के लिए, तो पूजा थोड़ा जल्दी करवाना पड़ेगा। मम्मी तो बोलती है पापा को कि थोड़ा जल्दी करवा लीजिए, पूजा करवा लीजिएगा तो ज्यादा सही रहता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए व्लॉग में आपसे फिर स्वागत है। उसमें सुबह के 11 बज रहा है और हम लोग छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। तो पिछला व्लॉग में देखे थे आप लोग कि हमारा गाड़ी नागपुर से लोड हुआ है, हल्दीराम वाले का है, और रांची जा रहे हैं हम लोग। तो रांची जा रहे तो घर तो जा रही है, तो घर जाने का मतलब थोड़ा सा ड्राइव वगैरह करना पड़ता है, दाढ़ी वगैरह बनाना पड़ता है, तो ये सब करके जा रहे हैं वहाँ घर पे। क्योंकि काफी दोस्त लोग भी आते हैं मिलने के लिए, बोलते हैं क्या अभी तक ड्राइव नहीं करा रहा। चलिए कोई बात, नहा भी लिए हम लोग, स्मार्ट भी लग रहे हैं। ये वाला टी शर्ट दोस्तों हम कल पापा को लेके दिए है, लेके दिया है लेकिन हमारे हिसाब से गलत है। ये देखिये उल्टा नहीं, वो डिजाइन अब पीछे ही रहता है, मतलब आदमी का आगे रहता है, यहाँ हमारे जमाने में तो आगे सामने रहता है, ये उल्टा है। पीछे से आदमी आवाज मारेगा तो जो बोलेगा उल्टा गंजी पहन लिया, पीछे से ना मारेगा, आगे से तो देखिएगा ही। पीछे से आदमी कहेगा उल्टा गंजी पहन लिया ही होगा। तो ये सब चला हुआ, अभी जमाना चेंज होते रहता है। बताइएगा दोस्तों आप लोग कमेंट करिए कैसा लग रहा है पापा, बहुत अच्छा मिला। और भी एक है, एक और लिया है ना। हाँ एक और है, वो भी पहनेंगे, मौका देके पहनेंगे वो भी। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग नहा धोवा लिए, फ्रेश हो गए हैं, अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना खा के अपना सफर चलता ही रहेंगे और निकलेंगे, यहाँ सीधा अपना रांची जाना है। आज दोस्तों हम लोग थोड़ा जल्दी खाना खा ले रहे हैं क्योंकि हम लोग इसी होटल में रुके हुए थे, तो यहीं पे नहाए भी, फ्रेश भी हुए, तो यहाँ पे खाना वाना खा के निकल जाएंगे अभी, इसलिए आज थोड़ा जल्दी खाना खा रहे हैं। ये देखिए ये रहा होटल, और बगल में टंकी है नहाने का, पीने का पानी भी अभी भरना बाकी है। दोस्तों भी हमारा खाना आ चुका है, ये देखिए हम ऑर्डर किए सेव भाजी, जो मेरा फेवरेट है वही करते हैं, और पापा का यहाँ पे दाल, राहर दाल जो भी, लेकिन हम लोग सब्जी मंगाते हैं वो आधा आधा करते हैं, अभी पापा इसमें से लेंगे हम उसमें से लेंगे। थोड़ा सा आधा आधा करता है क्योंकि इसका थोड़ा सा टेस्ट, मतलब दो दो टेस्ट मिल जाता है चम्मच का। दोस्तों खाना तो अपना हो गया, खाना वो खा के निकल गए हैं, नहाना धोना भी हो गया, देख सकते हैं मेरा कपड़ा भी पूरा सूख रहा है अभी। खैर गर्मी बहुत जल्दी सूख जाता है, एक फायदा है, बाहर में रख दो तो भी सूख जाता है जल्दी, गाड़ी में भी हवा लग कर सूख जाता है। तो अभी हम लोग राजनंदगांव गाँव पार कर रहे हैं, और हमारा रांची का सफर अभी तो कम से कम 650 किलोमीटर है। अब देखना ये है कि माल मेरा नॉन्ट्री का है कि बाहर का है, फिर उस हिसाब से वहाँ जाकर हम लोग पता करना पड़ेगा कि ये कहाँ खाली करेगा। ये सब माल तो जानते हैं या तो सिटी में ही रहता है, नॉन्ट्री का माल रहता है, तो ठीक है जाने के बाद पता करेंगे कहाँ का है कहाँ नहीं। तो अभी हम राजनंदगांव पार कर लेते हैं पहले। अभी दोस्तों मौसम में मतलब चेंजिंग आ गया है, सुबह सुबह हमको थोड़ा बारिश मिला, देवरी में थे हम सुबह, तो हमको मालूम चला कि उधर कहीं साइड में कहीं बारिश हो रहा है, बादल वगैरह बहुत भयानक टाइप का दिख रहा था, हमको लगा कि बारिश शायद हो जाएगा आज भी, लेकिन बारिश तो हुआ नहीं, हम लोग तो निकल गए उस एरिया में। लेकिन इधर का मौसम भी ठंडापन है, वैसा गर्मी महसूस नहीं हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडापन लग रहा है, जैसे लग रहा है कहीं आसपास कहीं बारिश हो रहा है। ऐसे तो अभी घर में ही मालूम चला था कि रामगढ़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान हुआ, कहीं आम वगैरह भी गिरने लगा, सब आम पकने से पहले गिर रहा है, कहीं झाड़ उड़ भी गिर गया था, आप लोग देखे होंगे मेरा जो मंझला लगा जो ब्लॉक है उसका RIS फैमिली ब्लॉक, उसमें जो है दिखा रहा था पूरा पेड़ उड़ गिरा हुआ, हम भी देखे तो हम भी आश्चर्य कर गए, उतना ज्यादा आंधी तूफान अभी चालू हो गया उधर। दोस्तों अभी हम लोग भिलाई आ चुके हैं, और भिलाई में क्या है कि ये वाला ओवरब्रिज बन गया है। अब पहले जब नहीं बना था तो इतना जाम हम लोग फंसते थे, इतना जाम में नीचे से जाने टाइम, लेकिन अब क्या है कि अब एकदम आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मौसम भी बहुत अच्छा ठंडा ठंडा किया हुआ है। दोस्तों हमारा सेठ जी आ गए हैं। अरे सॉरी यार, मैं थोड़ा बाहर था इसलिए थोड़ा ये बाहर चले गए थे, हमको शाम तक रुकना पड़ गया यहाँ, किसी कहा अगले बार तो नहीं बाहर गए थे, अहमदाबाद की कहाँ गए थे अगले बार, बड़ोदरा अगले बार बड़ोदरा गए थे, तो मुलाकात का नहीं हुआ था, तो इस बार आए थे इसलिए रायपुर होकर के आए गाड़ी लेके, इनसे मुलाकात। बहुत अच्छी बात होगी राजेश भैया, मुलाकात अब आप ही के लिए, हम इधर से आए तो फिर निकल जाते उधर से, तो फिर टूर में नहीं मिल के गए ना। हाँ बाहर था, और बीच में दो दो ट्रिप मेरा गुवाहाटी का हो गया, फिर मुलाकात ही नहीं हो पा रहा था। चलिए बहुत अच्छा लगा, अभी थोड़ा सा हम भी निकल रहे हैं हमारा, तो चलिए रांची जी खाली करके फिर चलो। अच्छा आगे आपका गाड़ी गुड़ी बढ़ा रहे हैं कि नहीं आप? बिल्कुल बढ़ा रहे हैं ना, गाड़ी बढ़ा रहे हैं ना। ये अभी छोटी अपनी 2224 फीट गाड़ी चलेंगी। अच्छा 5-6 गाड़ी अभी
हो सका है इस महीने में आ जाएंगे अपनी इस महीने में। चलिए बढ़िया, गाड़ी बढ़ाइए और बताइए हमको भी कहाँ से कहाँ चल रहा है आपका ऑफिस का उद्घाटन हो गया? हो गया वहाँ का तो नहीं, उसमें अभी 2 महीने बाद में ही करेंगे। 2 महीने के बाद दोस्तों, अभी इतना दिन बाद आए हैं तो चाय तो बनता है ना? बिल्कुल बनता है, मैं तो बोलता हूँ खाना भी बनता है। खाना तक ठीक है लेकिन अभी समय नहीं है खाने का। अरे शाम के हिसाब से तो सब कुछ बनता है, शाम में कौन खाना खाता है। चलते आते चाय पी के। दोस्तों अभी सेठ जी के साथ में चाय पी के तो निकल गए हम। हालांकि सेठ जी चले गए थे कोई गाड़ी छोड़ने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग काम उनका है तो बिल्टी वगैरह देने के चले गए थे। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है भाई, काम तो आदमी काम देखना पड़ता है ना, बिल्टी छोड़ना गाड़ी छोड़ना। तो अभी हम सिलतारा वगैरह सब पार कर गए, ये देखिए टोल टैक्स पे है। तो अभी हम सिलतारा पार कर रहे हैं और बिलासपुर पार करेंगे। बिलासपुर पार करके हाँ जी आगे आगे, हाँ अभी सेंसर काम किया है। मेरा प्लानिंग है अभी क्या है कि बिलासपुर वगैरह सब पार करेंगे और जांजगीर चांपा होते हुए जाना है हमको। तो जांजगीर चांपा इधर रोड तो पूरा बन गया है, जांजगीर चांपा एकदम पूरा। और रायगढ़ जाना है, रायगढ़ में क्या 9:30 थोड़ा लफड़ा है, सुबह मेरे ख्याल से 6 बजे लग जाता है लेकिन 2 घंटा बाद फिर खोलता है वो 8 बजे। तो 8 बजे 9:30 निकले, देखते हैं रात का सफ़र कैसे क्या होता है। और ठंडा ठंडा में तो फोर लाइन में ही चल रहा है तो काफी अच्छा सफर कटेगा अभी मेरा। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुके हैं, अभी हम लोग बिलासपुर आ गए। तो अभी बिलासपुर के बाईपास में है, ऐसे सेठ जी से अगर नहीं मिलना होता तो हम लोग यहाँ पहले ही आ जाते, तो थोड़ा सा वहाँ टाइम लग गया था। तो अभी रुके थोड़ा सा टायर चेक कर लेते हैं। टायर भी इसमें उतना चेक नहीं करना पड़ता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो गिट्टी फंसता है ना वो देख लेते हैं, अगर बाद में पंचर हो गया तब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। दोस्तों अभी गाड़ी का टायर भी चेक कर लिए और दोनों शीशा भी साफ कर लिए, अंदर से भी बाहर से भी, और साइड वाला मिरर दोनों सब सारा हो गया है। और अभी हमारा जो कपड़ा सूखने के लिए दिए थे सूखा नहीं है, थोड़ा सूखी गया है बस, थोड़ा बहुत गिला ये भी हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक तो हम लोग गाड़ी को एकदम सजाए भी नहीं है, हम लोग बहुत पहले भी बोले थे कि गाड़ी को सजाने वाले हैं लेकिन ऐसा कोई टाइम ही नहीं मिल पाया। और मतलब रामगढ़ में अगर कभी रुकना हुआ तब जाके थोड़ा सा इंटीरियर का काम कराना हम लोग को, अभी थोड़ा सा सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ कुछ अलग करवाने का सोचे है, जैसा कि दूसरे गाड़ी में भी हम लोग देखे थे, तो ये सब कुछ चेंज करवाएंगे इंटीरियर का। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना हुआ रहता है ऊंचा जैसा, तो यहाँ फोन वगैरह रखने में या फिर ये चार्जिंग वाला उसके ऊपर आ जाएगा, ये सब कर लेंगे ना तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और बाकी तो सीट अपना हो ही गया है सब कुछ, वो भी सीट में अभी कवर लगा दिए है तो वो भी ठीक लग रहा है, कूलर हमारा पीछे रह जाता है। अभी तो दोस्तों इतना आइडिया नहीं है कि कितना चेंज करवा सकते हैं क्या करवा सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गाड़ी में क्या क्या चेंज करवा ले, टायर में या व्हील कवर, ये सब जो भी हो सकता है आप लोग बताइएगा, उस हिसाब से फिर हम लोग करेंगे। ऐसे मम्मी क्या की, मम्मी तो बोलती है कि गाड़ी का पहले पूजा करवा लो तब ज्यादा सही रहेगा। तो पापा बोले कि गाड़ी को हम लोग पूरा पेंट करवाएंगे, थोड़ा चेंज कर लेंगे क्योंकि पीछे वाला का जो हमारा बॉडी है उसका कलर थोड़ा सा खराब हो गया है, फेड हो गया उसी को लेकर। आगे का तो ठीक है, आगे का हम लोग साफ कर लेते तो पूरा एकदम चमकने लगता है, बस पीछे का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको हम लोग करवा लेंगे तो वो भी हो जाएगा तब अच्छा लगेगा। जो मेगा लॉजिस्टिक लिखा हुआ उसको भी अच्छे से लिखवाएंगे, और हो सके तो दोस्तों अपने चैनल का भी नाम आर राजेश ब्लॉग थोड़ा अच्छे से बड़ा करके लिखवाएंगे तब लोग पहचानेंगे और ट्रक को, तो वो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो ये भी आप लोग बताइएगा करना चाहिए कि नहीं कि सामने लिखवा ले ऐसा करके। और अभी तो बहुत कुछ चेंजिंग करवाएंगे तो उसके लिए क्या है कि हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, अगर गाड़ी हमारा घर में रुका, घर में या फिर जो भी जहां पे भी करवाएंगे गाड़ी को रोकना पड़ेगा, करीब हमको लग रहा है 9 दिन 10 दिन के आसपास तो जाएगा इतना काम करवाने में। पापा भी आ गए, थोड़ा गए थे बाहर। तो दोस्तों जैसा होगा वैसा करते हैं, पहले टाइम निकालेंगे अच्छे से, गाड़ी को अच्छा पहले कर लेंगे, पूरा सजा लेंगे ना पापा। गाड़ी को सजाना है कि फिर आप भूल गए? सजाएंगे, जैसा जैसा मिलेगा सब सजाएंगे, गाड़ी में काम भी कराना है, बक्सा वक्सा बनाना है सामने। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहा है और हम लोग रात में ही आ गए थे, इसको डोडा होटल बोलते हैं, जांजगीर के पास में है डोडा होटल, तो यहीं पर आ गए थे। खाना तो हुआ नहीं था, मैं 2 बजे रात में खाते भी नहीं हम लोग रात में, और आगे सीधे सो गए थे। यही देखिए पार्किंग है उसका, पूरा यही पार्किंग, अभी सब गाड़ी निकल गया, थोड़ा तो उठने में हमको लेट हो गया कि 2 बजे सोए थे ना तो लेट हो गया। तो अभी यहाँ सब सफर हमारा चालू होता है। तो ठीक है दोस्तों, निकलते यहाँ से हम लोग क्या है कि 2 रास्ता है, एक अपना रायगढ़ होकर के है और एक अपना धर्मजयगढ़ होकर के है। तो पहले खरसिया जाते हैं, वहाँ से डिसाइड करते हैं, क्योंकि रायगढ़ में 9:30 भी रहता है, तो अगर 9:30 पार करने वाला रहेगा दोपहर में छोड़ता भी है दिन में, तो अगर वैसा होगा तो वहाँ से पार होकर रायगढ़ निकल जाएंगे, अन्य तो फिर अपना धर्मजयगढ़ जो रोड है वो रोड। इस बार भी सोचेगा धर्मजयगढ़ रोड जाते हैं तो उसमें भी एक नया रोड है जो निकलता है लेलुंगा होते हुए, जो पहले हम डालागढ़ लेकर चलते थे उसमें, तो कंडे लेकर भी गए नहीं थे, तो हो सकता है कि इस बार हम उसी रोड को आज चेक करने वाले हैं वो रोड कैसा है कंटेनर के लिए, क्योंकि गाड़ी वाले बताते हैं रोड उधर बन गया है पूरा, लेकिन डालागढ़ी से हमारा दोस्ती है तो वो लोग ऊपर का ध्यान ही नहीं दिया कभी। तो अभी हम चल गए खुद पार होकर देखेंगे कहाँ क्या होता है। तो फिर ठीक है दोस्तों, निकलते हैं चाय पी के अभी। दोस्तों अभी हम लोग तो होटल से निकल गए थे और कुछ किलोमीटर अभी आ गया है, तो यहाँ पंप के पास रुके थोड़ा फ्रेश होने के लिए और ब्रश करने के लिए। तो पापा ब्रश कर रहे हैं, हम भी दोस्तों ब्रश कर लेते हैं अभी।
दोस्तों यहाँ पानी भी अच्छा आ रहा है, तो जितना भी हमारा बोतल है बोतल भी सारा भर लिए है। अभी गाड़ी हमारा एकदम साफ है, देखिए आगे से पूरा गंदा पड़ता है तो इसको झाड़ देते हैं तो साफ हो जाता है। पीछे का ही थोड़ा सा अभी भी कलर देखेंगे तो ठीक ही है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुआ है। ये देखिए सारा बोतल हमारा भर गया। ये सारा पानी काम आता है कूलर में डालने के लिए, कूलर में जितना पानी जाता है सारा इसी से। दोस्तों अभी हम लोग बाराद्वार पार कर चुके हैं और यहाँ पर इतना दिन आने के बाद एक चीज़ और क्या नया दिख रहा है यहाँ पे कि ब्रिज यहाँ चालू कर दिया है। पहले हम लोग इस फाटक से जाया करते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा जाम लगना और फाटक जो है कि थोड़ा सा देख कर अभी भी फाटक देखिए बंद है अभी भी। तो इस रोड से पहले आना जाना करते हम लोग काफ़ी जाम में फंसते थे यहाँ पर, और हम लोग का इंतजार था कि यहाँ एक रेलवे ब्रिज होना चाहिए था। हालांकि काम तो खैर चल ही रहा था लेकिन थोड़ा सा लेट चालू हुआ, और देखिए अभी ट्रेन आ गया तो अभी हम लोग जाम में खड़े रहते हैं। देखिए ट्रेन चालू है अभी, तो अभी ये वाला रोड हम लोग चालू कर दिया है, ओवर ब्रिज बन गया है तो बहुत ही अच्छा रहा। और वहाँ पर हमारा गाड़ी जो है ना इतना सा गैप में पार होता था, कई बार हमको डॉट होता था कि अगर माल हल्का लोड है गाड़ी में तो ज़्यादा वजन रहे तो चलो गाड़ी दौड़ दब जाता है, हल्का माल में थोड़ा गाड़ी उड़ जाता है। तो कई बार हम इसको देख के ही पार कर देते कि गाड़ी हमारा कहीं टच ना हो जाए, एकदम सेम सब इतना पार होता था गाड़ी। देखिए अभी ब्रिज बन गया है, कितना शानदार लग रहा है, अभी कोई जाम नहीं कुछ नहीं, एकदम आराम से गाड़ी निकल रहा है। दोस्तों अभी हम लोग खरसिया पहुंच चुके हैं और खरसिया बाईपास में खड़े हैं, तो अभी क्या ना कि हमारा सफर जो है अभी नया रूट वाला होने वाला है, क्योंकि इस बार हम सोचे हैं कि नया रूट होते हुए जाएंगे। ऐसे रायगढ़ का तो नोल्टी वाला लफड़ा हो जाता है और नया रूट में जाएंगे, काफी दिन पहले चले थे, इस बार देखते हैं, बता रहे कि रोड वगैरह सब बन गया वहाँ तो देखने में अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों अभी क्या ना नेटवर्क का प्रॉब्लम पड़ता है, जब फाका एरिया पड़ता है हम लोग को मिलता नहीं 5G, दिक्कत हो जाता है। अभी रायगढ़ में अभी हम लोग रुके हैं खरसिया में, एक दो घंटा देखते हैं वहाँ पर नेटवर्क मिल जाता ठीक है, तो फिर जंगली एरिया आ जाता है, नेटवर्क बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ठीक है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा मेरा आगे का सफर का, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।